चलेगी नहीं चलेगी। रानी तेरी मनमानी नहीं चलेगी नहीं चलेगी। दादलाघाट के ट्रक ऑपरेटरों ने 4 फरवरी को चक्का जाम किए जाने का ऐलान किया है। मंगलवार को प्रदर्शन के 39वें दिन ट्रक ऑपरेटरों ने अंबुजा चौक में प्रदर्शन के दौरान कहा कि सोमवार को साधारण अधिवेशन में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया कि 4 फरवरी को चक्का जाम किया जाएगा। इसके अलावा 11 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। पिछले 49 दिनों से अदानी समूह द्वारा की गई तालाबंदी के बाद अब ट्रक ऑपरेटर्स उग्र होते जा रही हैं। हालांकि ट्रक ऑपरेटर्स शांतिप्रिय ढंग से अपना रोष प्रदर्शन कर रही हैं, लेकिन इतने दिन हो जाने के पश्चात ट्रक ऑपरेटरों का माल ढुलान विवाद न सुलझने की वजह से दिन प्रतिदिन उलझता जा रहा है, क्योंकि 31 जनवरी को ऑपरेटरों की एक बैठक शिमला में मुख्यमंत्री के साथ होनी थी, लेकिन मुख्यमंत्री के श्रीनगर में बर्फबारी में फंसे होने के कारण आज की होने वाली बैठक टल गई है, जिससे ट्रक ऑपरेटरों में काफी रोष व्याप्त है। अब मुख्यमंत्री के शिमला आने के बाद ही अगली बैठक की तिथि निर्धारित होगी। इसके उपरांत ही मुख्यमंत्री व ऑपरेटरों के मध्य बैठक हो पाएगी। फिलहाल ट्रक ऑपरेटर 39 दिनों से शांतिप्रिय ढंग से इस विवाद को जल्द से जल्द हल करवाने के लिए प्रदेश सरकार से आग्रह कर रही है, लेकिन कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकल पाया है। एडीकेएम के पूर्व प्रधान बालक राम शर्मा ने कहा कि चक्का जाम करने के अलावा 11 फरवरी को महापंचायत का आयोजन किया जाएगा। इसमें किसान नेता राकेश टिकैत को भी आमंत्रित किया जाएगा। जल्द ही महापंचायत के आयोजन को लेकर स्थान भी निश्चित कर दिया जाएगा, क्योंकि इस महापंचायत में ऊपरी क्षेत्र के किसान भी अदानी समूह के विरुद्ध इसमें भाग ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि करीबन 15,000 की संख्या में किसानों की इस महापंचायत में भाग लेने की संभावना है। देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि हम ट्रांसपोर्टर बाद में, उससे पहले हम किसान हैं। हम पूरे अपने ब्लॉक में, सब डिवीजन में सभी लोगों को जो किसानी करते गांव में रहते हैं उनको साथ जोड़ेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा कम से कम 15,000 की संख्या में यहाँ पर एकत्रित करेंगे। इसके लिए हमने स्थान अभी तय नहीं किया, लेकिन हम फिगर स्थान तय करके जहाँ पर इतने लोग आ सके वो स्थान चयनित करेंगे और वहाँ पर हम ये जनसभा अपनी करेंगे। इसमें जैसा कि अभी आपको बताया, माननीय राकेश टिकैत जी जो उत्तर प्रदेश से हैं और किसान महासंघ, राष्ट्रीय किसान महासंघ के अध्यक्ष हैं, उन्हें भी संपर्क किया जा रहा है ताकि वो भी आएँ, क्योंकि उन्होंने भी सरकार के खिलाफ और सरकार के तो क्या अदानी मानी के खिलाफ उन्होंने अपना जंग लड़ी है और यहाँ पर भी हमें अदानी ही परेशान कर रहा है। तो हम ऐसी सभी संस्थाओं का साथ लेंगे जो इससे त्रस्त है। हमारा तो ये भी प्रयास है कि हम अपर शिमला जहाँ अदानी के वेयर हाउसेज हैं, जहाँ वो सेब इकट्ठे करके आगे बेचता है, वहाँ से भी लोग इससे काफ़ी दुखी हैं, वे भी हमारे बीच में आना चाहते हैं, हम उनको भी इसमें बुलाएंगे। पिछले कल जो हमारी महासभा हुई है सभी सहकारी सभाओं के जितने दालाघाट के कारण, उसमें एक सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास हुआ कि हम 4 तारीख को चक्का जाम करेंगे अर्की सब डिविजन में भी और बिलासपुर में भी, और हमारी प्रपोजल है कि हम हिमाचल के ट्रांसपोर्टर्स को भी इसमें शामिल करेंगे, इनसे भी बातचीत चल रही है। इसके अलावा 11 फरवरी को हमारा किसान महापंचायत होने जा रही है, जिसमें हम किसानों, बागवानों और तमाम ट्रांसपोर्टर्स को शामिल करने की हमारी एक योजना है। आज हिमाचल प्रदेश सरकार ने हमें बातचीत के लिए बुलाया था, लेकिन आज हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का जो हमें सरकार से जो मैसेज मिला है कि आज यहाँ पर नहीं है, इसमें भी लोगों में आज काफ़ी रिजेंटमेंट थी कि हिमाचल के माननीय मुख्यमंत्री जी हमें तारीख पे तारीख दे रहे हैं। तो ये काफ़ी चिंता का विषय है कि हमारे इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं ले जा रहा है। इससे भी जनता के प्रति, ट्रांसपोर्ट के प्रति बहुत बड़ा एक असंतोष पनप रहा है। लाइफ टाइम्स टीवी के लिए दाडलाघाट से आशीष गुप्ता की रिपोर्ट। इस बार 26 जनवरी होगी कुछ खास। आपकी मनपसंद ऑल्टो के साथ गोयल मोटर्स लेकर आई है 26 जनवरी स्पेशल ऑफर। ऑल्टो 100% ऑन रोड फाइनेंस के साथ, अभी नहीं तो कभी नहीं। उच्चतम माइलेज व न्यूनतम मेंटेनेंस खर्च, अभी खरीदने के लाभ। 2022 के मॉडल पर उच्चतम ऑफर्स, आपकी पुरानी कार का सबसे बेहतरीन दाम। कीमतें बढ़ने से पहले खरीद पर भारी बचत का लाभ, तो अभी कॉल कीजिए टोल फ्री नंबर 1800 1808072 पर।